दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। बेल्ट्रान की नई भर्ती जारी कर दिया गया है। 2024 में बिहार बेल्ट्रान की नई भर्ती जारी कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों जल्दी से इसको फटाफट वीडियो को देखिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। कब से कब डेट रहने वाला है, लास्ट डेट क्या होने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, कितना योग्यता है, सब चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पे विज्ञापन देख सकते हैं कि विज्ञापन यहां पे जारी कर दिया गया है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ डेवलपमेंट यहाँ पे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती आ गई है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि विज्ञापन यहाँ प्रतांक संख्या दे दिया गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और रजिस्ट्रेशन सूचना की यहाँ पे आपको बता दिया गया है। तो चलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रान, दोस्तों बेल्ट्रान की तरफ से डाटा ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई। यहाँ पे जो मतलब बोला गया है मेन पावर इमरजेंसी एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभाग कार्यालयों निकायों यानी अधिसूचनाओं के विरोध संविधान के आधार पर यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रान की यहाँ पे एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटरों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक दोस्तों 20 तारीख से ये ऑनलाइन चालू होने वाला है, दिन मंगलवार से यहाँ पे चालू होने वाला है दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को फटाफट देखिए और समझिए और ऑनलाइन अपना कर सकते हैं। देखिए जो दोस्तों बताया गया कि ऑनलाइन यहाँ पर होगा, इस वेबसाइट पर होने वाला है। तो इस वीडियो को आप मतलब फुल वॉच कीजिएगा और समझिएगा और देखिएगा कि कैसे यहाँ पे मतलब बताया गया है कैसे ऑनलाइन करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बताया गया योग्यता जो शैक्षणिक योग्यता है वो मतलब ये क्या बताया गया, देख सकते हैं यहाँ पे 10+2 मतलब यहाँ पे बताया गया कि 10+2 होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी 10+2 पास मतलब BSDM मतलब बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा 400 घंटे यहाँ पे बोला गया है कंप्यूटर पर मतलब प्रशिक्षित के शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफलता अभ्यर्थी यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ उम्र सीमा की बात किया है, तो उम्र सीमा पे यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन मतलब करने की जो उम्र सीमा है वहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष से 59 वर्ष के यहाँ पर लोगों के लिए बताया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं परीक्षा शुल्क यहाँ पर बताया गया कि परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है जो डाटा ऑपरेटर की वैकेंसी का जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया बिहार मतलब केवल बिहार के राज्य का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मतलब यहाँ पर 250 रुपया लगने वाला है, मतलब 250 रुपया यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद बताया गया कि बिहार के राज्य का स्थायी निवासी कभी आरक्षित यानी अनारक्षित यहाँ पर महिला उम्मीदवार के लिए भी 250 रुपया लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि दिव्यांगों के लिए यहाँ पर 40% से मतलब छूट मिलेगी इसमें। क्या बोला गया कि यहाँ पर अभ्यर्थी के लिए 250 रुपया मतलब लगने वाला है। सामान्य कोटि के उम्मीदवार के लिए यहाँ पे 1000 रुपया का शुल्क लगने वाला है। यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा बताया गया है कब से इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाला है, रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले बता दिया कि यहाँ पे 20 तारीख 2 महीना मतलब इसी महीने के अंदर 20 तारीख को आपको यहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट डेट होने वाली है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट यहाँ बताया गया है कि 15/3/2024 मतलब अगले महीने तीसरे महीने में 15 तारीख तक इसका लास्ट डेट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि सिलेबस के बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा का सिलेबस यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डाटा एंट्री के सिलेबस कोड यहाँ पे दिया गया है उसके सामान्य होगा। सिलेबस निगम वेबसाइट यहाँ पे बताया गया, इस पर आप मतलब उपलब्ध कराई जाएगी। फिर नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर आधारित MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस यहाँ पे क्वेश्चन परीक्षा के 1 घंटे की होगी, जिसमें मतलब आपको बताया गया कि 1 घंटे की परीक्षा होगी वो भी ऑनलाइन होगी। 60 वस्तुनिष्ठ यहाँ पे MCQ यहाँ पे मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तीर्ण हेतु 50% लाना आवश्यक है।
मतलब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फार्म भरेगा वो मरतला परीक्षा देगा, उसमें 50% लाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि MCQ परीक्षा के पश्चात मतलब उसी दिन के कुछ अंतराल के बाद यहाँ पे टाइपिंग यहाँ पे दस्ता परीक्षा आयोजित मतलब कराई जाएगी। जो भी स्टूडेंट उसी टाइम मतलब पेपर देगा, उसके बाद परीक्षा पर टाइपिंग आपको कराई जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए यहाँ पे मतलब परीक्षा ली जाएगी। टाइपिंग टेस्ट मतलब अंतराल में आपको थोड़ा सी समय में मतलब कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है कि यहाँ पे मंगल फॉन्ट्स मतलब मंगल एक फॉन्ट्स होता है, उसमें रेमिगंटल यहाँ पे गोल यहाँ पे वो भी फंक्शन होता है। कीबोर्ड मतलब रहेगा, लेआउट मतलब ली जाएगी। उसके बाद दक्षता पर स्तर अंग्रेजी का न्यूनतम यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड 30 WPM होना चाहिए और हिंदी का बोला गया है 25 होना चाहिए। मतलब आपको अंग्रेजी में टाइपिंग मतलब टेस्ट लिया जाएगा 30 का स्पीड में और उसके बाद हिंदी में लिया जाएगा 25 का स्पीड में, मतलब 5 का अंतराल दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं बताया गया यहाँ पे निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं के लिए मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्यटक मतलब यहाँ पे स्तर पर मूल्यांक 10% तथा दिव्यांग जो मतलब स्टूडेंट हो गए उनके न्यूनतम 40%, दिव्यांग 15% यहाँ पर बताया गया है अधिमानता दी जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब छूट दिया जाएगी परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल मतलब संधारित यहाँ पे किया जाएगा, मतलब कटअप के अनुसार इन लोगों को मतलब इसको लिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि सेवा प्रदस्ता यहाँ पे एजेंसी यहाँ पे रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षा अभ्यर्थियों को पैनल संधारित यहाँ पे करेगा। अधिसूचना प्राप्त होने पर इस पैनल से सभी अभ्यर्थियों के यहाँ पे सेवा मांग की जाएगी। सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी में परस्पर अस्वीकार एग्रीमेंट भी कराना होगा। उसके बाद यहाँ पे एकाएक मतलब नामे व्यवस्था अभ्यर्थी के लिए बेल्ट्रान मतलब अधियाची विभागों में नियुक्ति मतलब का आधार नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइपिंग टेस्ट के बारे में कुछ बता दिया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्रतांक में यहाँ पे अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। मतलब जो टाइपिंग टेस्ट मतलब दिए जाएंगे उसमें भी मतलब मेगा सूची यहाँ पे बनाई जाएगी। उसके बाद विभाग कार्यालय निकायों यहाँ पे बताया गया कि पैनल के नियुक्ति 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार यहाँ पे लाभ दिए भी मतलब दिया जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि मतलब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन फार्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देश फार्म भरे जाएंगे, कागजात प्रमाण पत्र पर अपलोड करना होगा। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसको मतलब इसी साइड पे आप मतलब अपना डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा लास्ट में यहाँ पे बता दिया गया इसका कोई भी शिकायत हेल्पलाइन हो तो यहाँ पे नंबर दिया गया, आप नंबर देख सकते हैं। नंबर पे कॉल करके मतलब सूचना मतलब आपको मतलब शिकायत देना होगा, चाहे जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मतलब जो दिया गया है वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर आप मतलब हर एक चीज़ आपको मतलब सूचना मिल जाएगी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नॉलेज तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।